आप देख रहे हैं दखल न्यूज। शहीदों के शव घर पहुंचे, गम और गुस्से के बीच पाकिस्तान से बदला लेने की मांग। आतंकी हमले के खिलाफ देश का खून खौला, जगह जगह प्रदर्शन, सभी नेता एक हुए। जबलपुर का लाल अश्वनी हुआ शहीद, अश्वनी के पिता ने कहा बदला लो। बीजेपी 10 करोड़ लोगों से पूछेगी क्या चाहते हैं मोदी सरकार से। और बाघ के बाद भोपाल के रिहायशी इलाकों में पहुंचा तेंदुआ, इंदौर में मरी हजारों तादाद में मछलियां। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए देश के 40 सपूतों को पूरे देश ने अंतिम विदाई दी। गम, गुस्से और बदले की मांग के बीच इन शहीदों के परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। वहीं सरकार हमले के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलवामा में हमले को अंजाम देने के आरोप में पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई पुलवामा, त्राल और अवंतीपुरा में छापेमारी के दौरान की। ये सभी प्रत्यक्ष रूप से हमले में शामिल बताए जा रहे हैं। इस बीच सीआरपीएफ ने इस घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जाते हैं। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि सभी लोग गोरीपुरा पुलवामा में आत्मघाती हमले की साजिश के बारे में सब कुछ जानते थे और किसी न किसी स्तर पर इसमें शामिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले की साजिश जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी कमांडर अकरम ने रची है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों का एक रेडियो संदेश पकड़ा है, उसमें अकरम का नाम सामने आया है। आतंकी हमले में शहीद हुए मोहनलाल रतूड़ी का पार्थिव शरीर उनके देहरादून विद्या विहार स्थित घर पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे और शहीद की पत्नी तिरंगे से लिपटकर पार्थिव शरीर के पास रोने लगे। घर में सभी का रो रोकर बुरा हाल है। पूरे देश में जहां जहां शहीदों के शव पहुंचे वहां वहां माहौल गमगीन हो गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से जमीन आसमान लोगों ने एक कर दिया। आमजन में हमले के प्रति भारी आक्रोश है। सभी एक सुर में बोल रहे हैं कि आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा और इसके खिलाफ एकजुटता का प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की विपक्ष को जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को फ्री हैंड कर दिया गया है, वह मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सीमा पार के इशारे पर चलते हैं। हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर मोदी सरकार की ओर से शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद के लाइब्रेरी कक्ष में हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, एनसीपी नेता शरद पवार सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा और इसके खिलाफ एकजुटता का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक के बाद बाहर आए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से कहा कि हमने प्रधानमंत्री से सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को बैठक में दोहराया गया। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की। पुलवामा आतंकी हमले में जबलपुर का लाल शहीद हो गया। देश के लिए जान गंवाने वाले अश्वनी के निधन की खबर से उसके गांव में मातम का माहौल है। जबलपुर के खुड़ावल गांव की माटी का एक और सपूत देश की खातिर शहीद हो गया। इसके पूर्व यहां के दो और जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 35वीं बटालियन में पदस्थ अश्वनी कुमार काछी की शहादत की खबर उनके पिता को फोन पर मिली तो वे अवाक रह गए। देश सेवा के जज्बे से लवरेज सुकरू काछी के बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद भी हौसला बनाए रखा। उन्होंने पत्नी कौशल्या और बेटे को अश्वनी के शहीद होने खबर दी, फिर खुद को संभालते हुए परिवार का हौसला भी बढ़ाया। इस कायराना हमले को लेकर परिवार सहित पूरा गांव आक्रोशित है। आखिरी बार उस समय वो कम से कम 4 महीने पहले आए थे, एक महीने की छुट्टी में आए थे, तो आखिरी बार लाके हम लोगों को
अब वो क्या चाहता, परिवार क्या चाहता है इस घटना के बाद, किस तरह से उनको बदला? अब परिवार की आत्मसंतोष एक होगी, साहब जी मान लो सरकार इसका बदला ले सकता है। अगर सरकार अपने जवानों की कीमत चाहती है तो सरकार को इसका जवाब कड़ा देना होगा, और नहीं चाहती तो सर वक्त अपने जवानों की बलि चाहती रहे सरकार। अश्वनी के पिता सुकरू काची की 5 संतानों में से शहीद अश्वनी सबसे छोटे थे। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद अश्वनी के बड़े भाई गुड्डा ने बताया कि हमारा परिवार मजदूरी करके गुजर बसर करता है। भाई की इच्छा थी कि वह देश की सेवा करे, जिसके चलते वह CRPF में चला गया था। बड़े भाई की आंखों से आंसुओं की धारा उनके दिल का दर्द बयां कर रही थी। साथ ही शहीद अश्वनी के बड़े भाई ने सरकार से मांग की है कि आतंकवादियों को निस्तेनाबूद कर देना चाहिए, तभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद कहा कि पाकिस्तान को कोई नहीं सुधार सकता, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आतंकी हमले की घोर निंदा की और कहा कि देश की 130 करोड़ जनता देश के साथ खड़ी है, साथ ही दुनिया के अनेक देश हमारे साथ खड़े हैं। सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक में भी बड़ा कदम उठाना चाहिए, जो जरूरी हो वह सरकार को करना चाहिए। हमें कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, सेना के लिए जो जरूरी हो सबसे पहले वह करना चाहिए। मैं तन मन धन के साथ सेना के साथ हूँ। एक बहुत गलत परंपरा शुरू हुई है, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, इस जमाने का क्या है गवारा ना। एक चीफ सेक्रेटरी रिटायरमेंट के पहले दूसरे आने वाले चीफ सेक्रेटरी ने क्लीन चिट देके चला जाता, ये नई परंपरा शुरू हुई। जो रिटायर्ड हो रहे हैं लगातार दूसरे पदों पर, लाभ के पदों पर बैठाए जा रहे हैं। आपने यदि हमारी मदद की है, हमारे उल्टे सीधे गलत सही कामों के लिए आपने सही साबित किया है, तो आपके लिए हम 5 साल के लिए फिर से कहीं ना कहीं स्थापित किए देते हैं। ये 65 साल 70 साल के लोग जो स्थापित किए जा रहे हैं, अच्छा होगा कमलनाथ जी सबके लिए वृद्धाश्रम बना दे, सारे लोग को एक साथ में रख दें। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आतंकी हमले को कायराना हरकत बताया है और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आतंकियों को जड़ और मूल से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, पाकिस्तान को यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सारा देश एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सारा देश एकजुट है और एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि बलिदान की कोई कीमत नहीं। सारे उपायों पर आज उच्च स्तरीय बैठक पर बैठक में विचार हुआ है और पाकिस्तान को बहुत और जवाब दिया। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलवामा के आतंकी हमले के खिलाफ छतरपुर के वकीलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया। जिला अदालत से छत्रसाल चौक तक जुलूस निकालकर वकीलों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पाकिस्तान का पुतला दहन किया। आतंकी हमले के खिलाफ छतरपुर में वकीलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अदालत से छत्रसाल चौक तक जुलूस निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। वकीलों का कहना है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए सरकार को अपना कदम बढ़ाना चाहिए। अधिवक्ता संघ छतरपुर के द्वारा हम सभी अधिवक्ताओं ने कल जो पुलवामा में घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई है, इसके संबंध में हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया और सभी अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया।
जिस तरीके से घटना कल आतंकवादियों ने की है वो निंदा की गई है और ये निंदा बार बार ना हो इसके लिए हम निवेदन करते शासन प्रशासन को कि इसमें ध्यान रखें। हम सभी अधिवक्ताओं ने आज यहाँ पर एक आतंकवाद का पुतला भी दहन किया है और सभी देशवासियों से एकजुट होकर इस आतंकवाद का विरोध करने के लिए आवाज़ उठाने के लिए आह्वान करते हैं। हम सभी अधिवक्ता इस दुख की घड़ी में उन सभी शहीद परिवारों के साथ हैं और आज के कार्यक्रम हम सभी अधिवक्ताओं ने किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ आम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कई जगहों पर शोक सभाएं हुई तो बहुत से संगठनों ने कैंडल मार्च भी निकाले। आतंकी हमले के बाद छत्तीसगढ़ में भी लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोग पाकिस्तान को लेकर काफी आक्रोशित हैं। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन सिंह अग्रवाल और आम नागरिकों ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के लिए कैंडल मार्च का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने संत हिरदाराम नगर में पुलवामा आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया और शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। संत नगर के कांग्रेसी नेताओं ने भी पुलवामा में हुई आतंकी हमले के विरोध में चंचल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद शहीद जवानों के लिए मौन रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई। सभा में जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, कांग्रेसी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतना बड़ा जो शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति पूरे देश की संवेदना और पूरा देश आज एकजुट है। इसमें हम किसी न किसी दलगत राजनीति से ऊपर, इस समय हमारा कोई दल नहीं, इस समय एक चीज है जो पूरे देश के शरीर में खून खोल रहा है, उसका बदला लेना है। और बदला किस रूप में लिया जाए ये तय करना है मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की धरपकड़ तेज गति से चल रही है। बलरामपुर पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार और फोर्स की वर्दी बरामद की है। बलरामपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब चांदो थाना क्षेत्र से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 देसी पिस्तौल, 19 कारतूस, 5 जोड़ी फोर्स की वर्दियां और माओवादी संगठन के पर्चे बरामद किए गए। 3 जनवरी को राजेंद्रपुर वाकसाइड मांस व 25 जनवरी को चांदो थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे वाहनों को हथियारबंद नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी हिमांशु गुप्ता के मार्गदर्शन और एसपी टीआर कोशमा के निर्देशन में पुलिस टीम आरोपियों की पतासाजी में लगी थी और ये नक्सली पुलिस के हाथ लग गए हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान के तहत 10 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। भाजपा के विशेष रूप से बनाए गए रथ देश भर में जाएंगे और लोगों से राय लेंगे। अगले 30 दिन में भाजपा 10 करोड़ लोगों से पूछेगी कि मोदी सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। इस अभियान के जरिए भाजपा भारत के भविष्य को आकार देने में प्रत्येक भारतीय को शामिल करना चाहता है। भाजपा को उम्मीद है कि इस अभियान में पार्टी को 100 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ने में मदद मिलेगी और उनके सुझावों के माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इन रथों में खास कैमरे लगे हैं, ये जगह जगह जाएंगे और लोगों की बात रिकॉर्ड करेंगे। इन्हीं वीडियो को रथ की दीवारों पर लगी स्क्रीन में दिखाया जाएगा। ये वीडियो पीएम मोदी तक पहुंचाए जाएंगे और इनके आधार पर पार्टी अपनी चुनावी रणनीति बनाएगी। अमित शाह ने कहा यह अनूठा प्रयोग है जिसे भाजपा पहली बार अपनाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण और हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी जायज समस्याओं के निराकरण की बात कही। डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़ताल कर रहे स्टाफ नर्सों से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की और अस्पताल का निरीक्षण किया। सिंहदेव ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से उनकी समस्याएं शीघ्र निपटाने का भरोसा दिलवाया और जल्द ही स्टाफ नर्सों की भर्ती की बात कही। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव थाना क्षेत्र के परसाही मंडी खोल के जंगल से पुलिस ने नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण नक्सली अपना सामान डंप करके भाग गए। एसटीएफ सीएफ की टीम के दबाव के कारण जंगलों में नक्सली दाएं बाएं हो रहे हैं। जंगल में पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया तो नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कमलोचन कश्यप के निर्देशन में इस अभियान को अंजाम दिया गया। दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी ने पूरी टीम को नक्सल विरोधी अभियान के लिए बधाई दी। जुए के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद पर तीन आरोपियों ने एक युवक को गोली मार दी। तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। ये घटना उस समय हुई जब पीड़ित युवक आकाश अपने साथी के साथ चाय पी रहा था। तभी तीन युवक अपनी बाइक से आकर पीड़ित से विवाद करने लगे और फिर उनमें से एक आरोपी ने आकाश को गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत खराब होने की वजह से उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है इन सबका जुए के पैसे को लेकर विवाद था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ऐसी वर्मा कर ली गई उसी। क्या कारण था? कारण जुए का था, पैसों का। क्या था पैसों का? गोली मार दी, काले भाग दी गए। वो कहीं नहीं है, आए तेज रफ्तार से गाड़ी आई, जो भाई नहीं आया, टच की गाली वाली देने लगे और सीधे हवाई फायरिंग की और पैर में मार दी। आना विवाद था, जुए का विवाद था, तराड़ के जुए। तो हम लोग मम्मा के यहाँ से चाय पी के चले आ रहे थे, लिया से चाय पी के चले आ रहे थे। इतने में एक तेज़ गाड़ी रफ्तार से आती है, स्कूटी, तो उन लोगों ने हैंडल टच कर दिया भाई के यहाँ पे। तो भाई ने बोला कि भाई देख के चलाओ गाड़ी, तो वो लोग गाली गलौज करने लगे, भी गाली देने लगे। फिर इतने में मारपीट हो गई और उन लोगों ने निकाल के फायर किया जान से मारने की, चार पाँच या गोली चलाई उन लोगों ने। कितने लोग? वो लोग थे तीन लोग, एक नकाबपोश था, एक यीशु वर्मा था, एक कल्लू भूसी। कल्लू भूसी ने गोली चलाई। सिविलाइन क्षेत्र की घटना है, इसमें दो पक्षों में झगड़ा हुआ आपस में, इसमें पैर में गोली लगी है, घटना पंजीबद्ध किया गया, आरोपियों की तलाश जारी है। संत हिरदाराम नगर में बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने वैलेंटाइन डे मनाने के बजाय माता पिता पूजन दिवस मनाया और अलग अलग कॉलोनियों और चौराहों पर जाकर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। बच्चों और युवाओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध कर माता पिता दिवस मनाया। कार्यक्रम में बच्चों ने सभी लोगों से आग्रह किया कि सभी को माता पिता का पूजन करना चाहिए। बच्चों ने हमें सच्चा प्रेम अपने माता पिता से करना चाहिए। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। ये लगभग 7 वर्षों से गैरागढ़ में मनाया जा रहा है, जगह जगह कॉलोनी में, जिसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम और गुरु संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। वैलेंटाइन डे से सबको बचाना है और मातृ पितृ सदगुरु पूजन दिन मनाना है, यही बापू जी का संदेश गली गली चौराहों पर दिया जाता है। इंदौर नगर निगम व मछली पालकों की लापरवाही ने एक बार फिर लसूड़िया मोरी तालाब में पाली जा रही 40,000 से ज्यादा मछलियों की जान ले ली है। मछलियों की मौत का कारण तालाब में किसी तरह का केमिकल डाला जाना है। मछली पालक व मत्स्य विभाग के अफसरों का कहना है कि तालाब में जा रहा ड्रेनेज का पानी इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि तालाब के पानी की जांच के बाद ही पता चलेगा इतनी मछलियों के एकाएक मरने का क्या कारण है। पिछले 2 दिनों से मछलियों के मरने की घटना सामने आ रही है। तालाब से बदबू आने के बाद नगर निगम अफसरों ने मरी हुई मछलियों को निकलवा कर फेंकवा दिया है। इसके पूर्व बलावली तालाब व हाल ही में खजराना तालाब में मछलियों के मारे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब में केमिकल डाले जाने के कारण मछलियां मरी हुई हैं। लसूड़िया मोरी के तालाब को करीब 5 साल पहले ग्राम पंचायत ने सरस्वती सहायता समूह को पट्टे पर दिया था। तब से इस समूह के प्रतिनिधि यहां मछली पालन कर रहे हैं। समूह के संचालन के मुताबिक जून में मछलियों के 1.5 लाख बच्चे तालाब में डाले गए थे। मंगलवार से तालाब में एकाएक मछलियों के मारने की घटनाएं सामने आई हैं। गुरुवार तक तो काफी तादाद में मरी हुई मछलियां तालाब किनारे आ गई। 40,000 से ज्यादा मछलियों के मारे जाने की आशंका है। मरी मछलियों में कतला, रोहू, मृगल व सिल्वर कार्प प्रजाति की मछलियां हैं। विजयनगर जोनल कार्यालय के प्रभारी बसंत गोंगड़े व सब इंजीनियर उदय सिंह भदौरिया और असिस्टेंट डायरेक्टर एनपी रायकवार भी निरीक्षण कर तालाब का पानी जांच के लिए निगम व प्राइवेट लैब भेज चुके हैं। भोपाल के आसपास अब तक टाइगर नजर आते थे, लेकिन अब कॉलोनी में तेंदुए पहुंचने लगे हैं। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस तेंदुए ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।
सबसे पहले रात को कोलार इलाके में तेंदुए के देखे जाने की सूचना मिली, लेकिन अंधेरा होने के कारण तेंदुए की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। इसी बीच त्रिलंगा इलाके में तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी मिली और बड़ी बात यह है कि त्रिलंगा क्षेत्र में मूवमेंट की तस्वीरें भी मिल गई हैं। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग को यह भी सूचना मिली थी कि शाहपुरा आकाश गंगा कॉलोनी में भी तेंदुए का मूवमेंट देखा गया है। रहवासियों के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे यहां भी तेंदुआ एक घर में घुसा था। उसने मकान में रखे गमले भी गिरा दिए थे। गमले से गिरी मिट्टी से तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि तेंदुए जंगलों से होकर ही त्रिलंगा तक पहुंचा है। फिलहाल उसे पकड़ने के लिए कवायद जारी है। उधर वन विभाग की टीम इलाके में पहुंची और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ भूखा हुआ तो शिकार के लिए किसी को भी निशाना बना सकता है। अधिकारी पूरे अमले के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। यहां अधिकारियों को उसके पैरों के निशान मिले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। जाते जाते जर्जर भोपाली को आपके साथ छोड़ के जा रही हूं। देशवासियों की तरह जर्जर भोपाली भी बेहद गुस्से में है। शहीदों की शहादत पे आज सुनाएंगे आपको भरण समाचार। नमस्कार, मैं हूं जर्जर भोपाली। इस बार मेरे स्वागत करने का वेलकम करने का मन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। आज ना दिमाग बहुत पिन्नाडे में मेरा। पुलवामा में जो आतंकवादियों ने जो हरकत की है, बता रहे हैं पूरे देश का है ना खून खोल लिया है, बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरे हाथ में एक गन थमा दो, सरहद पकड़ जाके ना आतंकवादी 2-4 लोगों को निपटाऊंगा इकट्ठा, बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। वैसे समय है ना मोदी जी ने पूरी सेना को छूट दे दी है। इस बार कोई गलती नहीं करना, बता रहा हूँ। एक एक कर को पाकिस्तान के वहाँ जाके अंदर जाके घुस के मारेंगे, जैसे अमेरिका करता है ना, अमेरिका ने ओसामा को निपटाया, वैसे ही हम ये अजहर मसूद और हाफिज सईद इनको जाके है ना निपटाएंगे इस बार, बता रहा हूँ मैं। और इस बार है ना सारी विपक्षी पार्टियाँ एक हो गई, ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। और 56 इंच वगैरह है ना, ये बातें छोटी मोटी बातें हैं ना, बंद कर दो। हर आदमी को इस समय 56 इंच का हो जाना चाहिए, बता रहा हूँ। ये देश की एकता का सवाल है, अखंडता का सवाल है, देश के स्वाभिमान का सवाल है। हाँ, इस समय सबको एक हो जाना चाहिए, बता रही हूँ। वो ये छोटवाइये नेता है ना, ये फेसबुक ये नेता है, इनसे मैं रिक्वेस्ट कर दिया हूँ, ये है ना छोटी मोटी बातें हैं बंद कर दो, उल जलूल पोस्टर डालना बंद कर दो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, बता रही हूँ मैं, ये देश की बात है। देश एक जवान बनाने के लिए माँ बाप को कैसा कलेजा कट्टर करना पड़ता है, कड़ा करना पड़ता है, तब जाके एक जवान बन तैयार होता है, हैं? और वही आके सरहद पे जाके शहीद होता है, उन माँ बाप से जाके पूछो, किसी का खून बहता है, उनसे पूछो जाके क्या हालत होती है, बता रहे हूँ। बहुत दिमाग ख़राब है मेरा इस समय। और ये लोकल नेता हुर्रियत पुर्रियत है ना, इनको भी समझा दो, ये बहुत हो गया, ये लोकल गद्दारों को समझा दो, बता रहे हो इनको ये ना जेल में ठूसो, ये ISI से पैसा लेते हैं और यहाँ का भी पैसा खाते हैं, यश कर रहे हैं, और इनके बच्चे हैं ना विदेशों में पढ़ रहे हैं, किसी का अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का इंग्लैंड में पढ़ रहा है, बता रहा हूँ। इनका है ना पैसा बंद करो, इनको जेलों में ठूसो, बता रहे हो। ये छोटे मोटे बच्चों को जो इनोसेंट है बेचारे, उनको है ना पत्थरबाज बना रहे हैं, उनसे पत्थर फेंकवा रहे हैं, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ये देश के गद्दार को ठूसो अंदर, बता रही हम। वही न्यूज एंकर है, न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ो भैया, इन्फॉर्मेशन दो प्रॉपर। ये वहाँ है ना बॉर्डर पे, बॉर्डर मत बनाओ स्टूडियो को, वहाँ बैठ के ये ऐसे ऐसे मुँह करते हैं, बता रहा हूँ। हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दो ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, वो ठीक है देश के लिए, बता रहे हूँ। इस समय देश का है ना खून खोला हुआ है, पूरा देश है ना बहुत रोष में है, बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है पूरे देश का। इस बार पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, इसको बता रहे हूँ, इसको मिटा देंगे। हाँ, अब ज़्यादा मेरा दिमाग पिन्नाडे में है, बता रहा हूँ, अब ज़्यादा मैं आज इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।